थर्मल कंडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि रेडियल हीट फ्लो से रिलेटेड है। मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स इससे पहले दिखाए थे उसमें सभी में लीनियर फ्लो कंसिडर किया था। लीनियर फ्लो कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक रॉड लेना एंड इस रॉड के दो एंड पे अगर हमने टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया है, तो अगर ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है तो सारे हीट फ्लो का अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो किसी भी एक लाइन पे अगर आप फॉलो करोगे तो सारे पैरेलल डायरेक्शन में बेसिकली आपका हीट फ्लो का आपको डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, सब सब पैरेलल लाइंस के अलोंग हो रही है। बट अगर अगर इमेजिन करो कि कुछ ऐसा सिचुएशन हो जहां पे, जैसे अगर इमेजिन करो कि अगर ये सिलेंडर होता और ये हॉलो सिलेंडर होता, सपोजली इमेजिन करो ये हॉलो सिलेंडर है और ये हॉलो सिलेंडर के अंदर में इमेजिन करो कि हमने कोई एक टेम्परेचर मेंटेन किया है और हॉलो सिलेंडर के बाहर में एक डिफरेंट टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कि हॉलो सिलेंडर के अंदर में है, इमेजिन करो हमने स्टीम भर दिया है या वाटर गर्म करके भर दिया है एंड बाहर के मतलब सिलेंडर के बाहर में रूम रूम टेम्परेचर है, तो उस केस में ऑब्वियसली आपका अंदर में ज्यादा टेम्परेचर बाहर में कम है, तो उस केस में क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ हीट फ्लो होगी। बट ये हीट फ्लो का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो रेडियल होगा, ऐसे फ्लो करेगा ऐसे, क्योंकि सिलेंडर के अंदर से सिलेंडर के बाहर की तरफ फ्लो करेगा, तो ये रेडियल फ्लो कहलाएगा क्योंकि ये रेडियल लाइंस के अलोंग हो रही है। समझ आ रही है आपको? दैट इज कॉल्ड एज रेडियल फ्लो, दिस रेडियल फ्लो। बट इसके पहले क्या हो रहा था, आपका एक्सियल फ्लो हो रहा था, एक्सिस के अलोंग हो रहा था। ठीक है, जब आप दो अलग अलग एंड पे टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर रहे थे तो फिर उस केस में अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड फ्लो कर रहा था, दैट इज एन एक्सियल फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। बट अगर आप सिलेंडर को अगर आप अंदर में एक डिफरेंट टेम्परेचर और बाहर में डिफरेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हो तो उससे जो फ्लो होगी दैट विल बी रेडियल फ्लो, वो रेडियल लाइंस के अलोंग होगी। और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी अगर आप देखोगे तो पैरेलल लाइंस के अलोंग नहीं है, ये अलग अलग रेडियल वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, तो इसमें आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है ये मैं आपको अभी सिखाता हूँ, चेक करो। रेडियल फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, इसके दो केस करेंगे। केस वन इज स्फेरिकल शेल, मान लो स्फेरिकल शेल का, जैसे ये एक शेल बना रहे हैं, इस शेल की इनर रेडियस मान लेते हैं आर वन है एंड आउटर रेडियस आपकी आर टू है। ठीक है, यहाँ पे हॉलो है, दिस ये खाली पार्ट है और ये आपका सॉलिड है, दिस सॉलिड, जिसको शेड कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें ही बेसिकली आपकी हीट एनर्जी फ्लो करेगी। तो अंदर में सपोजली हमने एक हाई टेम्परेचर मेंटेन किया, लेट अस से अंदर का टेम्परेचर एक टी वन है एंड बाहर का टेम्परेचर आपका टी टू है, एंड मैंने आपको दे रखा है कि टी वन इज ग्रेटर देन टी टू, तो हीट करंट बेसिकली आपकी अंदर से बाहर की तरफ फ्लो कर रही होगी ये ऐसे। So, ये आपका हीट फ्लो का डायरेक्शन होगा ऐसे कुछ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब किसी भी एक आर्बिट्री क्रॉस सेक्शन पे अगर आप जाओगे, गो एट एनी आर्बिट्री क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे मैंने कोई भी एक आर्बिट्री क्रॉस सेक्शन बनाया है और इस आर्बिट्री क्रॉस सेक्शन से जितनी हीट एनर्जी का फ्लो होगा, जितनी हीट एनर्जी फ्लो कर रही होगी पर यूनिट टाइम, ये इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के रेडियस पे तो डिपेंड नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही सोचो, आपको याद है कि जब हम हीट करंट की बात कर रहे थे तो स्टेडी स्टेट की जब हम बात करते थे, जब स्टेडी स्टेट आ जाता था तो फिर टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का कांस्टेंट हो जाता था, और टेम्परेचर अगर हर एक क्रॉस सेक्शन का कांस्टेंट हो गया, टाइम पे इंडिपेंडेंट हो गया है, तो हीट करंट हर एक क्रॉस सेक्शन से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हीट फ्लो का डायरेक्शन है रेडियल है, तो उसमें भी आपका सेम कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है। टेम्परेचर अगर हर एक क्रॉस सेक्शन पे, मतलब ये जो स्फेरिकल आप सर्फेस बना रहे हो इसी को क्रॉस सेक्शन की तरह ट्रीट करना है, तो ये स्फेरिकल सर्फेस का अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब जितनी हीट एनर्जी यहाँ से आएगी उसके इमीडिएट नेबरहुड से फिर वो बाहर भी निकल जानी चाहिए, तो हीट करंट का जो वैल्यू होगा वो हर एक क्रॉस सेक्शन से आपको सेम ही मिलना चाहिए। ठीक है,
तो अगर मैं इसमें इससे सोचो कि अगर मैं इसका हीट करंट का अगर सोचू कि हर एक क्रॉस सेक्शन से सेम है, तो इसकी रेजिस्टेंस अगर हम लिखें यू नो, अगर इसके लिए हीट करंट की इक्वेशन लिखनी चाहते हैं तो हीट करंट के लिए इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? तो इसका हीट करंट अगर आप लिखोगे तो दैट विल बी एच विच इज के इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट विच इज डी टी बाई डी आर हो जाएगा। डी आर मतलब कि यहां से जैसे हमने सपोजली इमेजिन करो यहां से आर डिस्टेंस पे जाके हमने एक डी आर थिकनेस का एक पतला सा शेल कंसिडर किया है, ये रहा दिस इज डी आर, ठीक है, थिकनेस इज डी आर। तो इसमें अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट आपका डी टी बाई डी आर के लिए हमने दिखा रखा है, ठीक है, सिंस अंदर से बाहर जा रहे हो तो ऑब्वियसली टेम्परेचर घटेगा, तो डी टी बाई डी आर विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है, दिस विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो इसलिए हीट करंट अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो बाहर से आपको एक नेगेटिव लिखना पड़ेगा अपनी तरफ से, या फिर इसी को आप लिख सकते हो के इंटू ए इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी बाई डी आर का मैग्नीट्यूड ले, ठीक है। तो टेम्परेचर डी टी जो चेंज है वो खुद ही नेगेटिव है, यहाँ पे जो डी टी चेंज है दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, क्योंकि आप अंदर से बाहर जा रहे हैं तो आप लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहे हो। ये जो एरिया है दिस एरिया ओवर दैट शेल इज 4 पाई इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं कि हीट करंट इज इक्वल टू के इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डीआर सॉरी डिवाइड बाय डीआर एंड इनटू टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट यहां पे कितने का है, सो व्हाट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट, डीटी का है, सो इसको डीटी रहने दिया और यहाँ पे एक नेगेटिव लगा दिया। नो व्हाट आई एम डूइंग इज एच की वैल्यू तो कांस्टेंट है हर एक क्रॉस सेक्शन में, तो इसको मैं एच के साथ अलग कर रहा हूँ, एच इंटू डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दैट विल बी माइनस ऑफ के इंटू 4 पाई इंटू डी टी। और अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आर की वैल्यू आपको कैपिटल आर वन से कैपिटल आर टू तक इंटीग्रेट करनी है और टेम्परेचर को आपको टी वन से टी टू तक इंटीग्रेट करनी है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो h into ये होगी माइनस ऑफ वन बाई आर माइनस ऑफ वन बाई आर, सो माइनस ऑफ वन बाई आर टू माइनस ऑफ वन बाई माइनस माइनस प्लस वन बाई आर वन एंड दिस बिकम्स 4 पाई के इंटू टी टू माइनस टी वन की जगह भी टी वन माइनस ऑफ टी टू आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को आप उल्टा कर दो, फ्लिप कर दो, सो यहाँ से आपके पास आ रही है एच इंटू आर टू माइनस ऑफ आर वन डिवाइडेड बाई आर वन आर टू एंड दैट विल बी 4 पाई के इंटू T2 T1 minus T2 is copy in short delta T we likh sakte ho. So finally agar aap dekhoge to aapke paas result kuch aisa aa raha hai temperature difference is equal to H into H into R2 minus of R1 and divided by 4 pi R1 R2 into K. अब इसको याद रखने का एक आसान तरीका देखो, फाइनली तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि यू नो टेम्परेचर डिफरेंस और हीट करंट का रिलेशन क्या है। इसे अगर आप देखोगे तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, लेट से दिस इज इक्वल टू एच इनटू थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, आप जो ओम्स लॉ लगाते थे इसमें थर्मल कंडक्शन में, टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू हीट करंट इनटू रेजिस्टेंस, यही तो करते थे। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको याद रखना आसान है, देखो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू याद रखना ऐसे, देखो रेजिस्टेंस हम कैसे लिखते थे, एल बाई के, याद है, एल वॉज दी लेंथ अलॉन्ग विच दी हीट करंट वॉज फ्लोइंग। यहाँ पे देखो वो लेंथ अलॉन्ग विच दी हीट करंट इज फ्लोइंग वो कितना है, आर टू माइनस आर वन ही तो है, अंदर के सर्फेस से बाहर के सर्फेस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर टू माइनस आर वन, तो उसी को आप एल की तरह सोचो। सो दिस इज एल डिवाइडेड बाई के इंटू ए, एरिया हम लेते थे पहले जब हम एक्चुअल फ्लो कंसिडर करते थे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा सेम रहता था तो उसको हम एक ही एरिया की तरह कंसिडर करते थे, बट यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये जो रेडियल फ्लो हो रही है उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रही है अंदर से बाहर तक, तो ये एरिया आप अंदर का भी नहीं ले सकते बाहर का भी नहीं ले सकते, तो आपको क्या लेना है, आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द इनर एरिया एंड आउटर एरिया लेना है। तो इसको आप क्या लिखोगे, एल बाई के ए की जगह इसको एल बाई के ए जी एम की तरह लिख लो, वेयर ये ध्यान रखो आप इसको याद रखना आसान है इसलिए आपको लिखने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, सो वेयर एल इज आर टू माइनस आर वन एंड ए जी एम इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द इनर एंड आउटर सर्फेस, और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है मतलब रूट अंडर ए वन ए टू करना है, सो 4 पाई आर वन का स्क्वायर इंटू 4 पाई आर टू का स्क्वायर
एंड दैट बिकम्स 4 pi into R1 R2। तो देखो याद हो गया आपको, तो याद रखना आसान है, थर्मल रेजिस्टेंस स्फेरिकल शेल के लिए कितनी है, L/kA। L/kA में L इज द सेपरेशन बिटवीन द इनर एंड आउटर शेल एंड A इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू एरियाज। ठीक है, समझ आई आपको? सो दिस इज वन केस ऑफ रेडियल फ्लो स्फेरिकल शेल के थ्रू। अब यही काम हम सिलेंड्रिकल शेल के लिए करते हैं। ठीक है, केस टू। सिलेंड्रिकल शेल, ठीक है। इसमें भी सिमिलर तरीके से इनर रेडियस मान लेते हैं R1 है एंड आउटर रेडियस हमें R2 दे रखा है। ठीक है, और इसमें भी मान लो कि मुझे हीट करंट की वैल्यू निकाली, इनर सरफेस में अलग क्रॉस अलग टेम्परेचर है, आउटर सरफेस पे अलग टेम्परेचर है। तो इसका अगर आप साइड व्यू देखोगे, इसी का साइड व्यू मतलब इधर से देखने पे आपको क्या दिखेगा वो देखो। ठीक है, साइड व्यू देखने से आपको क्या दिखेगा, दो सर्कल्स दिखेंगे साइड व्यू। एग्जैक्टली वही डायग्राम होगा साइड व्यू का जो अभी आपने स्फेरिकल शेल्स के लिए बनाया था, एकदम यही वाला बनेगा। बस ये डिफरेंस है कि ये स्फेरिकल शेल्स हमने बनाए थे, दिस वर स्फेरिकल शेल्स, बट हमारे यहाँ पे स्फेरिकल शेल्स नहीं है इस बार केस में, ये हमारे लिए आपके लिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, दिस इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नाउ। तो ये बेसिकली आपका आप कह सकते हो इसको कि ये तो इसके लिए अगर आप फिर से वैसे सोचो, इसके लिए अगर आप रेजिस्टेंस अगर लिखोगे, जैसे इसका ना एक रेजिस्टेंस निकालने का एक तरीका भी सीख लो। जैसे अभी आपको जो करना सिखाया था मैंने, हीट करंट की वैल्यू को हमने के ए डी टी बाई डी एक्स लिखा, फिर उसके बाद फिर हीट करंट सेम था तो उसमें वेरिएबल आर को सेपरेट करके फिर इंटीग्रेट किया और उधर टेम्परेचर डी टी को इंटीग्रेट किया था। इसके करने की बजाय आप डायरेक्टली ऐसे सोचो, इस बार हम ऐसे कर लेते हैं। इसके लिए भी अगर मैं बोलता कि अंदर का टेम्परेचर जैसे T1 है, बाहर का टेम्परेचर T2 है, तो T1 माइनस T2 इज द टेम्परेचर डिफरेंस एंड इसी को हम लिख सकते थे हीट करंट इनटू द थर्मल रेजिस्टेंस। अब ये थर्मल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो ये थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है अब ये सोचो। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे ये पतला सा शेल जो है, पतला सा शेल दिख रहा है, दिस इज सिलेंड्रिकल शेल, और वो पतला सा सिलेंड्रिकल शेल का जो रेजिस्टेंस होगा वो आप कैसे निकालोगे, वैसे ही एल बाई के ए करके। तो इसका L लेंथ कितना है, लेंथ मतलब कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी उसका लेंथ कितना है, तो दैट लेंथ इज dr, स्मॉल r और स्मॉल थिकनेस ऑफ dr, सो दैट बिकम्स लेंथ एंड डिवाइडेड बाय L by kA करते हैं, तो k इज थर्मल कंडक्टिविटी एंड एरिया। एरिया कौन सा लेना है आपको, एरिया इज टू बी टेकन दैट एरिया जिसके थ्रू आपका हीट एनर्जी फ्लो कर रहा है, और वो हीट एनर्जी आपका जो फ्लो कर रहा है वो आपका किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, आपका कर्व्ड सर्फेस के थ्रू फ्लो कर रहा है। ये ध्यान रखो, इस बार यू नो जो हीट फ्लो है दैट इज रेडियल, तो आपकी हीट फ्लो की जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी है, तो हीट फ्लो का जो डायरेक्शन है वो रेडियल है, ध्यान रखो ऐसा फ्लो कर रहा है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो ऐसे फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब जिस सरफेस के थ्रू वो फ्लो कर रहा है वो बेसिकली आपका एक कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के थ्रू आपकी फ्लो कर रही है, मतलब ये साइड वॉल्स है, ये वाला जो साइड वॉल्स है इसके थ्रू ऐसे फ्लो कर रहा है।
तो ये जो एरिया लेना है आपको, दैट इज टू बी कर्व सर्फेस एरिया, एंड दैट विल बी 2 पाई आर इनटू एल, एल बीइंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये लेंथ है सिलिंड्रिकल कंडक्टर जो है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे, तो अगर आपको ये जो रेजिस्टेंस हमने लिखा है, ये रेजिस्टेंस बेसिकली आपका, दिस रेजिस्टेंस इज डी आर, डी आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ, डी आर इज द थर्मल, डी आर इज द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंटल शेल। और ये सारे शेल देखो जैसे हैं वो सीरीज में, और सीरीज में आपको क्या करना पड़ता है, ऐड कर देना पड़ता है रेजिस्टेंस को। तो एडिशन जब डिस्क्रीट चीजों के लिए होती है तब ऐड करते हैं, बट कंटिन्यूस वेरिएशन होगा तो उसके इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी आर टी एच कर लेना है। सो दिस बिकम्स 1 बाई 2 पाई एल इंटू के, इसको बाहर निकाल लिया एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर कर लिया, एंड दिस हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम वेयर टू वेयर, आर वन टू आर टू, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स 1 बाई 2 पाई एल इंटू के इंटू एल एन ऑफ आर टू बाई आर वन, हो गया आंसर, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेसिकली ये रिजल्ट्स कम से कम याद रख लेना चाहिए, और रिजल्ट याद नहीं है तो कम से कम तरीका याद रखिए, ठीक है। इन इधर वे आपसे ये सॉल्व हो जाएंगे फिर क्वेश्चंस। ओके, अब इसका एक एप्लीकेशन करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे इमेजिन करो ऐसा एक क्वेश्चन है, वॉल ऑफ हॉलो सिलेंडर इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर कैपिटल टी वन, एंड द आउटर वॉल at temperature T2, T2 less than T1 दे रखा है, the inner and outer radii are R1 and R2, then find the radial distance at which the temperature will be T1 plus T2 by 2. कैसे पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सोचो आप, इंटरप्रेट करो, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये R1 है, ये R2 है, अंदर का टेम्परेचर T1, बाहर का टेम्परेचर T2, और ये कोई एक आर्बिट्री रेडियस पे मैं चला गया, और यहाँ के टेम्परेचर को मैं T मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये T की वैल्यू उसने दे रखी है, T1 प्लस T2 बाई 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट देखो इनर वॉल और आर रेडियस पे है, वही टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर आप, टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस, जो टेम्परेचर डिफरेंस इनर वॉल और आर रेडियस पे दिख रहा है आपको, वही टेम्परेचर आर रेडियस और आउटर वॉल के बीच में है, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर है वहां पे। तो इसको मैं जैसे ऐसे मार्क कर लेता हूँ, जैसे दिस इज बी सी एंड डी, तो टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ सी डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हीट करंट निकालते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ बी सी करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस इन बी सी पार्ट, एंड दैट इज टू बी इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ सी डी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ सी डी पार्ट। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम है ही, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस ऑफ बी सी शुड बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सी डी। और ये रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या था, अब देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला था सिलिंड्रिकल शेल के लिए, दैट वॉज एल एन ऑफ आर टू बाई आर वन बाई टू पाई एल के। इसका मतलब बेसिकली ln r2 by r1 सेम होना चाहिए, तो इससे क्या लिखोगे, ln of r by r1 should be equal to ln of r2 by r, so therefore r should be equal to root under r1 r2।
हो गया आंसर, यहां से मिल गया, राइट। देखो एक और आपको वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी थ्रू अ टेपरिंग रॉड ऑफ लेंथ एल टेपरिंग फ्रॉम रेडियस R1 टू R2 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एंड्स आर मेंटेन्ड एट T1 एंड T2। ये बेसिकली ट्रंकेटेड कोन का एग्जाम्पल है। दिस इज अ ट्रंकेटेड कोन, ट्रंकेटेड कोन। अब इसमें अगर आप देखोगे तो उसने कह रखा है ट्रंकेट कर रहा है ये R1 से R2 रेडियस पे, तो एक साइड का क्रॉस सेक्शन रेडियस R1 और दूसरे साइड का आपको R2 चूज करना है। ऐसा कुछ है। अब इसके दो एंड्स पे आप अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, एक एंड पे T1 एक एंड पे T2, तो ऑब्वियसली आपका लेफ्ट से राइट की तरफ आपका हीट कंडक्शन होगा अगर लेफ्ट का टेम्परेचर ज्यादा है तो। सो ये रेडियस R1 है और ये रेडियस आपकी R2 है। ये लेंथ भी आपको L दे रखा है। तो इसमें भी देखो, इसमें भी लेफ्ट से राइट तक अगर आप देखोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रही है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रही है तो इस केस में आपको रेजिस्टेंस एक छोटा सा एलिमेंटल थिकनेस का निकाल लेना चाहिए और इंटीग्रेट करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेना चाहिए। तो जैसे ही टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो फिर आपका टेम्परेचर डिफरेंस रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, हमें करंट भी मिल जाएगा। तो देखो वही पार्ट में कर रहा हूँ, आप एक बार चेक करो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी एक आर्बिट्री थिकनेस पे चले जाए, आर्बिट्री डिस्टेंस पे चले जाते हैं, लेट्स से वी गो टू अ डिस्टेंस एक्स एंड यहाँ पे हमने एक पतला सा शेल बना लिया एंड ये शेल की थिकनेस हमने dx चूज कर लिया, दिस डिस्टेंस इज dx, ठीक है। तो इस शेल का जो रेडियस होगा, ये रेडियस जो होगा यहाँ पे, ये रेडियस r, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि r कितनी है। तो r को निकालने के लिए हम क्या करें, सिमिलैरिटी यूज करते हैं, एक बार चेक करो। यहां से एक लाइन एक्सटेंड करें, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा सेम होगा मतलब छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में भी। तो आर माइनस ऑफ R2 डिवाइडेड बाई दिस विल बी एल माइनस एक्स, दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई L। देखो चेक करो, समझ आ रही है आपको। अब यहां से R और X का रिलेशन मिल गया आपको, तो what you have got from here is कि R का वैल्यू इज R2 प्लस R1 माइनस R2 बाई L इंटू L माइनस ऑफ X। यहां से आपको रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस मिल चुकी है, you have got radius as a function of distance, distance X of course। अब एक बार ये रेडियस मिल गई है तो अब हम इसकी रेजिस्टेंस को dr लिख रहे हैं, dr इज द थर्मल रेजिस्टेंस एंड दैट विल बी इक्वल टू l / ka, याद है l इज dx ओवर हियर एंड डिवाइड बाय ka, सो k इनटू एरिया व्हिच इज पाई r स्क्वायर। अब एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक x भी वेरिएबल है और एक r भी वेरिएबल है। अब दो वेरिएबल के साथ तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ईदर वन ऑफ देम इन द टर्म्स ऑफ अदर। तो dx को dr के टर्म्स में लिखा जा सकता है क्या, यहां पे चेक करो आप। अगर मैं यहां से dr by dx निकालो, dr by dx, तो that will be equal to r1 minus of r2 by l into minus of 1. इसका मतलब dx की value can be written as dr divided by dx divided by dx into dx is a equal to dr into l divided by r2 minus of r1. ये हम लिख सकते हैं। तो ये वाली dx की value को हम यहाँ पे substitute कर देते हैं। So this becomes 1 by pi k and into this is dr divided by r2 minus of r1 into l divided by r square. So therefore thermal resistance, ab agar aapko chahiye to this will be integration of dr th and that will be l divided by pi k into r2 minus of r1 into dr by r square ka integration. And this R has to be integrated from R1 to
आर टू, ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो से लेके एल तक चाहिए थी हमें, तो आर की वैल्यू आपकी आर वन से आर टू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके लिए दिस विल बी एल बाई पाई के इंटू आर टू माइनस ऑफ आर वन इंटू माइनस ऑफ वन बाई आर टू माइनस माइनस वन बाई प्लस आर वन, सो दिस बिकम्स एल बाई पाई के इंटू आर टू माइनस ऑफ आर वन इंटू आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई आर वन आर टू। अगर आप देखोगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई है एंड यार ये एल बाई पाई आर वन आर टू इंटू के, इसको वापस ऐसे याद रख सकते हो एल बाई के इंटू ए, और ए क्या है यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एरिया है, दैट्स इट। इसका इसकी रेजिस्टेंस भी आपको पता चलेगी, थर्मल रेजिस्टेंस इज एल बाई के इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एरियाज वेयर ज्योमेट्रिक मीन इज पाई आर वन आर टू, हो गया, ठीक है। सो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिल गई है, और उसने क्या पूछा था आपसे, हीट फ्लो का करंट रेट पूछा था, सो देयरफॉर हीट करंट जो आएगी या रेट ऑफ हीट फ्लो दैट विल बी टेंपरेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस कर लेंगे, हो गया आंसर, करेक्ट। ओके, एक एक दो और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, एक बार चेक करो आप। A rigid box contains one mole of an ideal gas of molar heat capacity. Terms ध्यान दो आप। Molar heat capacity at constant volume C है। Molar heat capacity मतलब n into Cv। इसकी वैल्यू उसने दे रखी है C है। Specific molar specific heat capacity नहीं बोला है। अगर molar specific heat capacity बोलते तो सिर्फ Cv mean करते। But molar heat capacity बोला है मतलब number of moles से multiply करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कह रखा है द वॉल्स ऑफ द बॉक्स हैव अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए थिकनेस टी नॉट एंड थर्मल कंडक्टिविटी के। इनिशियली द गैस इज एट अ टेम्परेचर टी नॉट एंड प्रेशर इनसाइड इज पी नॉट, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज टी नॉट बाई टू, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है, देखो यहाँ पे आपका सोचो ये चेंबर है और इस चेंबर के अंदर हमने गैसेस को फिल कर रखा है। इनिशियली इसका टेम्परेचर टी नॉट था एंड बाहर का टी नॉट बाई टू है। इनिशियली आपका टी नॉट था बट इसका टेम्परेचर अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखे तो ये टी का कुछ होगा। नाउ दिस टी इज विल बी ग्रेटर देन टी नॉट बाई टू एंड लेस देन आपका टी नॉट, क्योंकि स्टार्ट कर रहा है टी नॉट से बट फाइनली तो उसको टी नॉट बाई टू पे ही जाना है क्योंकि सराउंडिंग के टेम्परेचर पे ही ठंडा होके जा सकेगा। तो इसके लिए अगर आप सोचोगे कि हीट करंट की अगर आप वैल्यू लिखोगे डी क्यू बाई डी टी, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है अंदर से बाहर की तरफ जो हीट एनर्जी जा रही है, तो ये हीट करंट की वैल्यू को हम लिख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस विच इज टी माइनस ऑफ टी नॉट बाई टू एंड डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है एल बाई के ए होती है, तो इसका लेंथ कितना है मतलब वो लेंथ वाली थिकनेस हो जाएगा, तो दिस इज थिकनेस टी नॉट, तो दिस विल बी टी नॉट डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको रेजिस्टेंस के लिए आर ही लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूट बाद में कर देंगे, बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसको आर लिख लेते हैं, वेयर आर इज इक्वल टू एल बाई के, मतलब यहाँ पे एल इज टी नॉट थिकनेस डिवाइडेड बाई थिकनेस इज दिस, ठीक है, divided by k into a, a is the area of the wall, ये तो दे ही रखा है उन्होंने। So ये dq by dt को अगर आप value लिखोगे dq by dt, this can also be written as ये gas के लिए जो rate of heat transfer है that will be since ये constant volume process पे है, तो dq by dt can be written as dq को हम कैसे लिखते हैं ncv, मतलब यहाँ पे c हो जाएगा and then into dt by t हो जाएगा। बट यहाँ पे टेम्परेचर घट रही है ध्यान रखो, तो dT by dt is a negative quantity, तो negative quantity के लिए आपको एक और negative लगाना पड़ेगा ताकि वो dQ by dt positive बन जाए, तो this will be equal to T minus of T naught by 2 and divided by resistance R, so variable को separate करो आप, तो dT divided by T minus of T naught by 2, that can be written as 1 by RC with a negative sign and then dT। अब t की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है, स्टार्ट किया था हमने t नॉट से एंड आफ्टर टाइम t लिख रहे हैं, तो ये जीरो से लेके t तक इंटीग्रेट हुआ, तो ये इंटीग्रेशन हो गया ln t माइनस ऑफ t नॉट बाई टू माइनस ऑफ ln
टी नॉट अगर डालोगे तो टी नॉट बाई टू ही आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाई आर सी. सो देयरफॉर ln ऑफ टी बाई टी नॉट बाई टू माइनस ऑफ वन दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी बाई आर सी. सो देयरफॉर टू टी बाई टी नॉट माइनस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी एंड देयरफॉर टी की वैल्यू इज टी नॉट बाई टू इंटू वन प्लस ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी. दैट्स इट, हो गया आंसर. ठीक है.